आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर खूंखार गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया की है। मौत बांटने वाला भगवान पुरिया इन दिनों मौत के खौफ में जी रहा है। उसके इस डर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने पंजाब हाई कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जग्गू की जान पर खतरे की वजह से जग्गू की मां ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है, जिसमें कहा गया कि अगर जग्गू को जेल से बाहर लाया जाता है तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी दी जाए। इस याचिका में उसकी मां ने जेल में भी भगवान पुरिया को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के अलावा जग्गू भगवान पुरिया का नाम भी सामने आ रहा है। इस बात का खुलासा दिल्ली में पकड़े गए 2 लाख के इनामी गैंगस्टर शाहरुख ने किया है। शाहरुख के खुलासे के बाद पंजाब पुलिस इन गैंगस्टरों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर लॉरेंस के बाद कोर्ट से अपनी जान की भीख मांगने वाला जग्गू भगवान पुरिया है कौन। जग्गू भगवान पुरिया पंजाब का जाना माना गैंगस्टर है। हाई स्कूल के बाद ही इसने गुनाह की दुनिया में कदम रखा और कुछ दिन बाद ही पंजाब के एक गांव में एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तो जग्गू भगवान पुरिया काफी फेमस हो गया और पुलिस की रडार पर आ गया। जग्गू के बढ़ते अपराधों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस को जग्गू की तलाश थी। 16 जून 2015 की शाम में पुलिस जग्गू का एनकाउंटर करने के लिए घात लगाकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन गलती से जग्गू की जगह पंजाब अकाली दल लीडर मुखजीत सिंह उनका टारगेट बन गया और उसकी जान चली गई। इसके बाद पुलिस ने जग्गू को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त जग्गू तिहाड़ जेल में कैद है और वहीं से अपने सारे काले कारनामों को अंजाम देता है। जेल के अंदर से ही वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा देता है। ड्रग्स का धंधा हो या फिर रंगदारी का कारोबार, जग्गू खुलेआम जेल में बैठकर ये सब कर रहा है। भारत का सबसे अमीर गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया के कई नेताओं के साथ संबंध की खबरें भी आती रहती हैं। इस पर हत्या, डकैती और लूट के 26 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रंग तक।